दुनिया में तो कहते हैं कि ये शास्त्रों का ज्ञान अद्वैतवाद है ना? और यहाँ भी समझते हैं कि हम अद्वैत का ही ज्ञान समझाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अब पीछे ना एक बार एक भाई आए तो आम रखे थे टेबल पे, तो मुझे कहते हैं कि ये आम और आप एक कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा कि आम आम है, हम एक कैसे हो जाएंगे? तो कहते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, अगर आप आम खा लेते हैं तो आम और आप एक हो जाते हैं। तो मैंने कहा फिर अगर किसी व्यक्ति के साथ एक होना हो तो उसको भी खाना पड़े। तो ये तो बड़ा मुश्किल है, ये आपका खाकर एक होने वाला चक्कर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि ये जो अद्वैतवाद है ना, कि जैसे आम और आप एक हो सकते हैं, परमात्मा और आप एक हैं, तो जब हम बाबा के पास आते हैं, बाबा हमें आत्मा परमात्मा और प्रकृति का अंतर समझाते। दुनिया में जो फिलॉसफी है ना, जो ये अद्वैत की फिलॉसफी, इसमें आत्मा परमात्मा और पांच तत्व सब एक है ना? लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, आत्मा परमात्मा और पांच तत्वों के अंतर को हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि जब तक हम आत्मा को प्रकृति से अलग नहीं समझेंगे, तब तक आत्मा परमात्मा से योग नहीं लगा सकते, है ना? क्योंकि जब हम प्रकृति क्या है, ये शरीर है ना, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इस शरीर में प्रकृति का वही रेशियो है जो बाहर है ना? जैसे 70% पानी अंदर है, 70% बाहर है, मैटर का भी वही रेशियो है, सब कुछ वही है। तो ये शरीर जो है, ये प्रकृति का एक सैंपल है। और फिर बाबा हमें कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर को चलाने वाली शक्ति हो, और तुम आत्म अभिमानी बनो, आत्मा के गुण और शक्तियों के अनुभव में स्थित होकर बैठो, फिर तुम बाबा को याद करो। लेकिन मनुष्य कहता है कि आत्मा परमात्मा और प्रकृति सब एक ही है, और फिर वो कहता है कि सब कुछ माइंड में है, सब कुछ एक कल्पना है। माना प्रकृति भी एग्जिस्ट नहीं करती, आत्मा परमात्मा भी कुछ सत्य नहीं है, सब कुछ एक इल्यूजन है, माइंड में है। और कई बार क्या होता है कि ये सारी बातें सुनने में बहुत रोमांटिक लगती है, सब एक है, सब अंदर ही है, भगवान भी हमारे अंदर है ना, आत्मा भी अंदर है, सब कुछ यहाँ है यहाँ है, बट ऐसा नहीं है। तो ये बातें मैंने ज्ञान मार्ग में भी देखा है, कई इन बातों से निकल नहीं पाते। तो बाबा हमें ये सारे अंतर समझाते हैं कि प्रकृति और आत्मा एक साथ सतयुग से लेकर कलयुग तक ऑपरेट करते हैं। आत्मा भी तमोप्रधान बन जाती है, प्रकृति भी तमोप्रधान बन जाती है, लेकिन आत्मा और प्रकृति एक नहीं है। आत्मा का परिचय हमें मिलता है कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियाँ हैं, और आत्मा प्रकृति से भी कनेक्ट करती है मन बुद्धि के आधार से, है ना? ऐसा नहीं कि प्रकृति एग्जिस्ट नहीं करती, प्रकृति ऐसा नहीं कि ये दुनिया ब्रह्म है, ये भी अद्वैतवाद की एक फिलॉसफी की ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो बस एक ब्रह्म है। पर बाबा कहते नहीं, प्रकृति और ये सारी दुनिया जो पांच तत्वों की बनी हुई है, ये बहुत प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, लेकिन आप आत्मा बुद्धि बल से
प्रकृति को अनुभव करते हो, तो आप इसे कैसे अनुभव करो उसके बारे में आपके पास चॉइस है, या करो या ना करो उसके बारे में आपके पास चॉइस है। तो ये बातें हमें बाबा क्लियरली समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि शरीर नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम चाहो तो बुद्धि बल से शरीर से न्यारे हो सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा कोई शरीर को छोड़ देती है। जब बुद्धि बल से न्यारी होती है, जब हम आत्म अभिमानी होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि शरीर से निकल गए। शरीर में तो है, बैठे हैं, लेकिन आप उस समय बुद्धि बल से शरीर से न्यारे हो सकते हो, क्योंकि आत्मा के पास मन बुद्धि संस्कार है, और आत्मा जो भी कुछ अनुभव करती है वो बुद्धि बल से करती है। तो अगर आप बुद्धि को डिटैच कर देंगे तो आप शरीर को उस समय अनुभव नहीं करेंगे। ये बातें बाबा हमें समझाते हैं। ऐसा बाबा ये नहीं कहते कि प्रकृति एग्जिस्ट नहीं करती या शरीर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर बाबा हमें परमात्मा का भी ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा एक है, या परमात्मा कोई है ना आत्मा के अंदर ही वास करता है। परमात्मा एक यूनिक आत्मा है जो परमधाम निवासी है, जो गुणों शक्तियों का सागर है, जो पतित पावन है, और परमात्मा भी कोई हमारे अंदर नहीं बैठा है। उससे हम बुद्धि बल से ही योग लगा सकते हैं, है ना। परमधाम भी ऐसा नहीं कि हमारे माइंड में है, नहीं, परमधाम भी परे ते परे है। जैसे देखो, हर चीज़ को अनुभव करने की एक विधि होती है। जैसे अभी बैक्टीरिया है या वायरस है, आप उसको इन दो नेत्रों से नहीं देख सकते, तो आपको उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये चीज़ें चाहिए होती है, यंत्र चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है लेकिन सूक्ष्म है, दो आँखों से दिखने वाले नहीं हैं। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं जो तीन लोक हैं, या परमधाम है, या बाबा है, या आत्मा है, इनको हम बुद्धि से देख सकते हैं। वैसे नहीं देख सकते दो आँखों से, क्योंकि ये भौतिक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, आत्मा के अंदर ही सूक्ष्मतन है, आत्मा के अंदर ही स्थूल वतन है, ये बात नहीं है। आत्मा बुद्धि बल से इनको अनुभव कर सकती है, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं जब मैं आता हूँ तो तुम्हें वो बुद्धि देता हूँ कि तुम बुद्धि बल से, मैं जो परमधाम निवासी हूँ उस पर बुद्धि को एकाग्र कर मुझे अनुभव करो। तो ये जो अद्वैत की जो फिलॉसफी है ना, उससे कोई प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं आप अगर ये सोचते रहें कि सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, तो योग किससे लगाएंगे, है ना। आप ही परमात्मा है, आप ही प्रकृति है, तो बाबा कहते नहीं, आपको, आप आत्मा है, आपको बुद्धि बल से, बुद्धि को यहाँ से अनप्लग करो, वहाँ प्लग इन करो, बाबा से शक्तियाँ लो, गुण लो, ज्ञान लो, फिर आकर यहाँ प्रकृति को भी नरिश करो। बाबा कहते हैं क्योंकि देखो, बाबा इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाते, बाबा का प्रकृति से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जब तुम आत्मा अपने को देह से न्यारी, भौतिक संसार से न्यारी निश्चय करके, जब तुम अपने बुद्धि बल से अपनी मेरी शक्तियाँ, मेरे गुण अपने अंदर धारण करते हो, तो प्रकृति में के साथ तुम संबंध में रहते हो। तुम्हारे पास ये शरीर के साथ मेरापन है, तो ये प्रकृति भी तुम्हारे द्वारा पावन बनती है। तो पहले ये शरीर, और फिर शरीर से वाइब्रेशन, जो ये सारी प्रकृति में जाते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें ये बातें समझाते कि ये कोई अद्वैत का ज्ञान नहीं है,
यहाँ तो आत्मा परमात्मा और पांच तत्वों को अलग अलग प्रॉपर समझना पड़ता है। फिर दुनिया में जैसे ये भी बात है कि सब कुछ दुख सुख सब माइंड में है ना, लेकिन बाबा कहते नहीं, दुख सुख इज नॉट माइंड। ऐसा नहीं है कि आपके मन में दुख या सुख का की बात है, नहीं, दुख सुख प्रैक्टिकल होता है। बाबा कहते हैं कि संसार में जब सुख धाम है तो सुख है, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख, संबंध का सुख, वहाँ कोई मक्खी मच्छर मलेरिया ये वो नहीं होगा। बाबा कहते कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा नहीं कि है ना संबंधों में कोई दुर्भावना या खटास होगी या विकार होंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी, संपत्ति का दुख नहीं होगा प्रैक्टिकली। लेकिन दुनिया में मनुष्य क्या कहता है अद्वैतवाद में कि दुख हमेशा रहता है, आप चाहे तो उसे फील करें चाहे तो ना करें। लेकिन बाबा कहते नहीं, प्रैक्टिकली सुख होता है, सुख धाम माइंड का सुख नहीं है, सुख धाम प्रैक्टिकल सुख है। और अभी प्रैक्टिकल दुख है, और बाबा कहते तुम इस दुख को अनुभव नहीं करते और बाबा की याद में रहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, है ना, कोई हम कहें कि आप देखो कोई व्यक्ति कहे कि मेरे शरीर में रोग है और हम कहें नहीं नहीं रोग तो ना भ्रम है, ऐसा नहीं है, आपको ये जो दर्द हो रहा है ना ये आपका भ्रम है, नहीं उसको हो रहा है दर्द। लेकिन आप उसे सिखा सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप शरीर से बुद्धियोग निकाल कर बाबा की याद में इस पेन को टॉलरेट करते हुए इस कर्म बंधन को चुक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ऐसा नहीं कि सुख धाम या दुख धाम आपके माइंड में होता है, दुख धाम भी प्रैक्टिकल होता है। और बाबा कहते हैं 101 दुखों की लिस्ट बनाओ तो पता चले कि प्रैक्टिकल ये कैसा दुख धाम हो गया है आज आप अगर, और 101 क्या, 1001 भी कुछ नहीं है। अगर आज आप जिस प्रकार का दुख धाम है, और विथ ये जो मैं आजकल कभी कभी सोचती हूँ कि पहले तो शारीरिक दुख होता था या है ना धन का दुख होता था या संबंध का दुख होता था, लेकिन अभी जैसे जैसे मानसिक रोग की अवेयरनेस आ रही है तो मानसिक रोग तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, और उससे जो दुख का अनुभव होता है वो तो कोई दूसरा देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आप देखो, मैंने देखा कई अच्छे अच्छे मैंने साइकोलॉजिस्ट को भी किसी के दर्द पेन को, मेंटल पेन को डिसमिस करते देखा है कि आप मतलब आप सिर्फ ज़्यादा सोच रहे हैं, है ना। लेकिन जो भी हो वो सोच के आधार से है, पर वो पेन है ना, और अगर वो सोच के आधार से है तो उसको सोच से शिफ्ट किया जा सकता है, उसको आत्मा को जैसे हम ज्ञान देते हैं और बुद्धि बल से वो डिफरेंटली देखेगी समझेगी तो शिफ्ट हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पेन है ही नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कितने प्रकार के संस्कारों के कारण हम दुख अनुभव करते हैं, कितने प्रकार के हम मानसिक पेन अनुभव करते हैं। आज अगर उसकी लिस्ट निकाले तो दुख तो एंडलेस है ना, है ना। किसी के अंदर एक भय बैठ जाता है, उस भय के कारण वो कितने परेशान होते हैं, कितना त्राही त्राही करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल दुख धाम है, और बाबा हमें कहते हैं इसीलिए तुम इस दुख धाम से बुद्धियोग निकाल कर सुख के सागर को याद कर इस सृष्टि को भी सुख की वाइब्रेशन देकर और अपने संस्कारों को बदल कर सुख धाम बनाओ। तो ये दुख धाम सुख धाम हमारे माइंड में है ऐसा नहीं है, है ना। तो और कई बार क्या होता है, अगर आप नर्व्स नहीं पकड़ेंगे ना तो आप बोल अलग अलग बातें रहे लेकिन कन्वे ऐसा होता है कि ये भी वही कह रहे हैं, है ना। कई बार आप तो कह रहे हैं कि आप चाहें तो मेंटली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं,
लेकिन वो कहता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं आपके माइंड में है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं है तो बाहर, एक्सपीरियंस आप माइंड में करते हो और मन बुद्धि बल से करते हो। तो उस मन बुद्धि का कंट्रोल अगर आपके पास है तो आप उसको डिफरेंटली अनुभव भी कर सकते हैं। और फिर मन बुद्धि को अगर आप यहाँ से न्यारा करके बाबा की याद में भरपूर बनाएंगे तो यहाँ भी प्रकृति को, आत्माओं को आप वो वाइब्रेशन दे सकते हैं। तो ये दो अलग अलग बातें हैं जो हम करते हैं और जो वो करते हैं। फिर मैंने और एक चीज़ जो समझाते हुए आत्माओं को प्रैक्टिकली अनुभव की है कि मनुष्य कर्म, भाग्य और भगवान में अंतर नहीं करता। मनुष्य को पूछो कर्म क्या है तो कर्म भगवान कराता है, भाग्य और भगवान एक ही बात है ना। किसी की तकदीर अच्छी है मतलब भगवान उसका साथ दे रहा है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स भी बाबा हमें क्लियर करते हैं कि भाग्य तो एक, जिसको बाबा भी कई बार तकदीर शब्द मुरली में यूज़ करते हैं, क्योंकि तकदीर भी आत्मा की है। आत्मा के अंदर 84 जन्मों की एक प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट है जिस स्क्रिप्ट के बाहर आप नहीं जा सकते, तो वो आपकी तकदीर है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये तकदीर हर आत्मा की अलग अलग है, लेकिन उसके अलावा भगवान है जो सिर्फ संगम युग में कार्य करते हैं। और जब भगवान से हमारा मिलन होता है तो बाबा हमें कर्म का ज्ञान देते हैं है ना, कर्म का ज्ञान देते हैं। परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्म, कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान देते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देते हैं। क्योंकि जब हम बाबा से योग रखते हैं तो उस याद के बल से हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति मिलती है ना। अगर हमारे अंदर अशांति है, दुख है और कोई कहे किसी को सुख दो तो नहीं दे सकते ना। लेकिन अगर अशांति है, दुख है पर हम उस समय बाबा की याद में हैं तो सुख दे सकते है ना। और धीरे धीरे उस सुख का बल भी हमें मिलेगा, याद का बल भी मिलेगा और हम धीरे धीरे सुखदायी बन सकते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों का, कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान भी देता हूँ और तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भी देता हूँ और वो शक्ति बिल्ड करने की समझ भी देता हूँ। राजयोग की विधि, पवित्रता की धारणा, ये सारा उस आत्मिक शक्ति को बढ़ाने की विधियाँ हैं। और बाबा हमें समझाते हैं कि बिना बाबा के कर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि जब तक हमें बाबा नहीं मिलते तो हम विकर्म ही करेंगे, चाहे हम उसे अच्छा समझे, बुरा समझे, जैसा भी समझ के करें। क्योंकि जब तक बाबा नहीं है तो आपको समझ ही नहीं है, शक्ति नहीं है तो करेंगे क्या। तो बाबा कहते हैं मैं जब आता हूँ तो मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाकर तुम्हें विकर्मों से छुड़ाकर सुकर्म करना सिखाता हूँ। और भाग्य ऐसा नहीं है कि तुम बनाते हो, जिसका जिसकी तकदीर जैसी है वो अपनी श्रेष्ठ तकदीर पर अपने पुरुषार्थ से पहुंचता है ना। जैसे हमारी श्रेष्ठ तकदीर कब है, सत्युग में, और धीरे धीरे वो जो ड्रामा अनुसार तकदीर बिगड़ती है। तो उस श्रेष्ठ तकदीर तक पहुंचने में ये कर्म और बाबा का ज्ञान मदद करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई जो पिछले कल्प में नहीं था वो बन जाएगा, नहीं हम वही बनेंगे जो हम पीछे थे, पर बनना तो पड़ेगा ना, क्योंकि जो हमारी हाईएस्ट स्टेज थी उससे हम आज पूरे ऑपोजिट हो गए हैं। तो हम अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचते, हम अपने बेस्ट वर्जन से अपने वर्स्ट पे आ गए। अब हम ज्ञान और योग की ताकत से अपने बेस्ट वर्जन पे पहुंचते। तो ये भी बातें बाबा हमें समझाते। इसीलिए जो ये अद्वैत है ना, सब कुछ एक है, सब कॉन्सेप्ट एक है, सब बातें एक है, ये बहुत भ्रमित करने वाली चीज़ है। तो बाबा हमें इसीलिए सब बातों का अंतर समझाते हैं।
फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सबसे ऊंची मंजिल सिविलाइज्ड बनना है ना। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। देखो बाबा हमें रोज़ कहते हैं तुम पर 63 जन्मों का विकर्मों का बोझ है, और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि तुम मुझे याद करो और पवित्र बनो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना। फिर बाबा कहते हैं सेवा करो, सेवा का बल जमा करो। पर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर रियलाइजेशन नहीं है कि हमारे पे कितना पापों का बोझ है, है ना। देखो मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी कि मैं समझती थी कि मेरे बच्चे से मेरा बिल्कुल मोह नहीं है, ठीक है, मेरे बच्चे से बिल्कुल मोह नहीं है। फिर अचानक बच्चे दूर रहते थे तो अचानक रोज़ बच्चों के स्वप्न आने लगे। सारे दिन सब स्वप्न में, दिन में सोए तो स्वप्न में बच्चे, रात को सोए तो बच्चे, सारे टाइम बच्चे ही बच्चे दिखे। तो माता कहती कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उनको कहा कि आप याद करो पीछे कोई ट्रिगर हुआ होगा जिससे आपके अंदर वो फियर ट्रिगर हुआ कि बच्चों को कुछ हो जाएगा। तो कहती हाँ, एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पर कोई बच्चों को हार्म कर रहा था। तो मैंने उसको कहा कि देखो अटैचमेंट है, पर क्योंकि कोई सिचुएशन नहीं आई, ट्रिगर नहीं हुआ, तो हमें लगा कि शायद हम तो डिटैच हो गए। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर आया तो आपका वो अटैचमेंट का जो संस्कार है वो इमर्ज हो गया है, और अब आपको सारे दिन आप बाबा को भी याद करेंगे तो बच्चे याद आएंगे, ये होगा वो होगा। फिर वो कहते इसका इलाज क्या है? तो मैंने कहा इलाज तो वही है जो बाबा कहता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आत्मा समझ, बाबा को याद करो। लेकिन ये इलाज जो है ये हम करते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें रियलाइजेशन ही नहीं है मेरे अंदर इतना मोह है। हम तो अपने अंदर चल रहे हैं, मेरे अंदर तो काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, मोह भी नहीं है। आप सोचो आप अगर एक ऐसे वायुमंडल में रहें जहाँ आप काम क्रोध के, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि अंत में तांडव होगा, है ना, सारे विकारों का, पांच तत्वों का, तो ऐसे समय पर क्या आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ट्रिगर नहीं होगा? तो अभी तो हम सोचते हैं अच्छा हमने, हम अपनी परहेज रखते हैं कि हम ना देखें ना सुने। परहेज रखना अच्छा है, लेकिन परहेज रख के कर क्या रहे हैं? हमने ये नहीं देखना वो नहीं देखना, पर हमें उस समय पर उस संकल्प को बाबा की याद में स्वाहा करना है ना। अगर हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं और इतना योग बल का खाता जमा नहीं है तो परहेज कर रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर विकार खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही आप उन दृश्यों, उन शब्दों, उन उस वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो आपकी अवस्था हिलने डुलने लगती है। तो क्यों हिलने डुलने लगती है? क्योंकि परहेज तो आप प्रॉपर कर रहे हैं, लेकिन परहेज करके जो करना चाहिए, जैसे डॉक्टर कहे कि आप चीनी मत खाओ और दवाई खाओ तो डायबिटीज ठीक होगी, चीनी आप नहीं खा रहे हैं लेकिन दवाई भी नहीं खा रहे, तो डायबिटीज एज इट इज़ है, बढ़ नहीं रही है लेकिन एज इट इज़ है। अब आप क्योंकि चीनी नहीं खा रहे तो सिम्टम्स रिड्यूस हो गए, तो आपको लग रहा है डायबिटीज़ तो ख़त्म हो गई, लेकिन जैसे ही चीनी खाएंगे वो स्पाइक हो जाएगी। तो वो जो इलाज करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। तो कई बार क्या होता है कि हमें ऐसे भ्रम पैदा होने लगता है कि हमारे तो विकर्म विनाश हो गए, हमारे तो संस्कार बदल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। और उस कारण से
हम वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो बाबा हमें इसीलिए आज कहते हैं कि संपूर्ण सिविलाइज्ड बन जाएं। सिविलाइज्ड बन जाना माना सब कुछ, कोई भी दृश्य देखते हुए, किसी को भी देखते हुए, कैसे भी कर्म, कैसे भी दृश्य देखते हुए आपके मन में एक भी संकल्प ना चले, उसको कहेंगे सिविलाइज्ड। लेकिन वो सिविलाइज्ड बनने के लिए तो हमें बहुत पुरुषार्थ चाहिए ना, और पुरुषार्थ के लिए हमें जो मोटिवेशन आती है वो आती है रियलाइजेशन से, है ना। जैसे आप देखना दुनिया में भी कोई बीमार होगा, है ना। देखिए मैं अभी पीछे सुन रही थी, एक किसी को कोई एक शरीर की बीमारी थी, तो वो उसका इलाज नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने देखा उस बीमारी से किसी का शरीर छूट गया तो वो उसके लिए जाके रनिंग करना और अपना फिजियोथेरेपी और सारा कुछ शुरू किए। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपको अपने अंदर रियलाइजेशन नहीं होती कि मेरी बीमारी कितनी डीप है, तो आप वो पुरुषार्थ नहीं करते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सिविलाइज्ड बनना है तो जांच करो, है ना। कि जब आप आइडियल कंडीशंस में हैं तो आपकी कोई वृत्ति दृष्टि कुछ नहीं जा रही, लेकिन थोड़ा सा कुछ हुआ किसी की, है ना, किसी का कोई सामने आया तो उसकी देह दिखने लगी है, है ना, कोई शब्द सुना तो उसमें क्रोध आने लगा है, तो ये क्या है कि इसका मतलब कि आप जा नहीं रहे हैं, आप अपनी परहेज कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप कांटेक्ट बना रहे हैं, जैसे कोई कोई कहते हैं हम लौकिक से दूरी बना कर रखते हैं, जैसे ही लौकिक से हमारा संबंध होता है तो हम तो बिल्कुल ही, है ना, हमारी अवस्था खराब हो जाती है। तो अवस्था तो आपकी वही है ना, सिर्फ वहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है, फिर उसका इलाज आप क्या करते हैं, फिर जाना छोड़ देते हैं। अरे जाना तो छोड़ देते हो, पर अपनी अवस्था देख कर उसके लिए जो पुरुषार्थ करना है वो भी तो करो। तो ये बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें अपनी जांच करनी पड़ेगी, अपनी वृत्ति को चेक करो, अपने कर्मों को चेक करो। उस समय ये नहीं कह दो कि वायुमंडल बदला, व्यक्ति ने ऐसा किया, बोल के ऐसा हो गया, नहीं, वो जो अंदर है वही बाहर निकल रहा है। आज बाबा ने कितना सुंदर ये बताया, जो अंदर है निकल तो वही रहा है ना। तो जब अंदर है तो सिर्फ उसको ये परहेज करते रहे वो निकले ना, उससे थोड़ी वो ख़त्म हो जाएगा, उसका जो बाबा ने इलाज बताया वो तो करना पड़ेगा। तो ये भी बाबा हमें बहुत अच्छे से आज समझ देते हैं। फिर बाबा आज ना बहुत अच्छे तीन शब्द यूज़ करते हैं, बुद्धि वर्थ नॉट अ पेनी बन गई है, बंदर बुद्धि बन गए हैं, और बाबा कहते दिल नहीं खाती है, है ना। दुनिया में दो लोगों की गलत काम में भी दिल नहीं खाती है, जब बाबा आते हैं हमें समझाते हैं तभी वो दिल खाती है। तो इसको भी हम आज थोड़ा समझेंगे। हमारी जो बुद्धि है ना, इसका एक लॉ है कि अगर इस बुद्धि से आप परखना, निर्णय करना बंद कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे ये बुद्धि अपनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति खो देती है ना। जैसे कि आप देखो, जब हम छोटे होते हैं तो पहली बार जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें अंदर पता होता है हमने झूठ बोला, है ना, और हमारी दिल खाती है। लेकिन धीरे धीरे आप इतनी बार झूठ बोलते हैं कि आपको ना दिल खाती है ना पता भी चलता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। कितने होते हैं ना बात बात पे झूठ बोलते हैं, मतलब जहाँ आवश्यकता भी नहीं वहाँ भी झूठ बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपनी बुद्धि की नहीं सुनेंगे ना तो वो बुद्धि सुप्त हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं इफ़ यू डोंट यूज़ योर कॉन्शियंस इट लूजेस फंक्शनैलिटी, तो उसकी वो जो फंक्शनैलिटी है वो लूज हो जाती। इसीलिए एक समय आता है, जैसे आप कई बार व्यक्ति वंडर खाता है
कि किसी का आज व्यक्ति लूट लेता है, खून कर देता है ना, कितनी सारी चीज़ें कर देता है, ये लोग नींद चैन से सोते कैसे हैं, लेकिन सो जाते हैं वो, है ना। कोई किसी के साथ गलत करता है ना, पाप करता है, तो उसके बाद भी चैन से वो सो रहे हैं। आप सोच सोच के सो नहीं पा रहे वो सो रहा है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो दिल खाने की जो सब्जेक्ट है ना, वो दिल खाने की सब्जेक्ट बुद्धि की सब्जेक्ट है, और जब बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है तो दिल नहीं खाती है, ठीक है। लेकिन दिल खाए ना खाए, कर्म का फल मिलता है। तो इसीलिए जो आज बाबा ने कहा ना, सत्यता से विजय, खुशी, निर्भयता का कनेक्शन है। तो झूठी चलन, जो चलन आत्मा को नहीं चलनी चाहिए, जब आत्मा वो चलन चलती है तो खुशी गायब हो जाएगी, भय अंदर आएगा, है ना। और आपकी जो विघ्न, जीवन में विघ्न पे विघ्न पड़ेंगे, कोई भी कार्य करेंगे 50 उसमें विघ्न आएंगे, सफलता दूर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो पाप का खाता है वो अपना फल दे रहा है, लेकिन दिल नहीं खा रहे। इसीलिए आज मनुष्य की भाषा कैसी हो गई है कि हम तो ऐसा कुछ गलत काम कर भी नहीं रहे, लेकिन पता नहीं भगवान क्यों नाराज़ है, पता नहीं हमारे साथ सब बुरा बुरा क्यों हो रहा है। तो उसको वो रियलाइजेशन या परख नहीं हो पाती, लेकिन वो ये देख पा रहा है कि जीवन में दुख अशांति आ रही है, उसको डर का अनुभव हो रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, वो सब वो अनुभव कर पा रहा है। अब इसमें एक और सब्जेक्ट है मोरालिटी की, है ना। अब आप देखो, जैसे मोरालिटी, जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें अच्छा बुरा कर्म अपने हिसाब से सिखा दिया जाता है। जब वो हमारी बुद्धि में डाल दिया जाता है तो उससे हमारी दिल खाने का संबंध बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी ने कहा, माता पिता चाहते हैं आप शादी करो, पर आप शादी नहीं कर रहे, तो ये आप पाप कर रहे हो क्योंकि आप माता पिता को दुख दे रहे हो, ये मोरालिटी है। ये मोरालिटी जब आपकी बुद्धि में चली गई तो आपकी दिल खा रही है कि मैं शादी नहीं करके माता पिता को दुख दे रहा हूँ, जबकि एक्चुअली दैट इज़ नॉट ट्रू, और उससे कोई पाप बन नहीं रहा है, लेकिन आपकी दिल खाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो सच्ची परख शक्ति तो खत्म हो गई, लेकिन झूठी परख शक्ति उसके अंदर फीड कर दी गई। जैसे आप देखो कि किसी को ये कह दिया गया कि भोजन को वेस्ट करना या छोड़ना बुरी बात है, तो भले ही आपका गला चोक हो जाए, लेकिन आप वो सारा खाकर उठो, ठीक है। अब इसका लॉ ये नहीं है, इसका लॉ ये है कि जब आपके भोजन परोसा जाता है तो उतना लो जितना आपको खाना है। ऐसा नहीं कि अगर आप पहले ज़्यादा ले लो फिर उसको फेंक नहीं सकते सोच के आप अंदर सारा, है ना वो भी क्या है, वो भी शरीर के प्रति पाप ही हुआ। लेकिन अगर आपकी बुद्धि में बैठ गया है तो आप ठूस ठूस के उसे अंदर घुसाएंगे, लेकिन आपको ये लगेगा अगर छोड़ दिया तो पाप हो जाएगा। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि जो सत्य था वो तो वॉश हो गया रावण राज्य में, और जो मोरालिटी थी उसको वो अंदर आ गई। अब हमारी दिल खाती है गलत चीज़ों के लिए, और जो वास्तव में जहाँ दिल खानी चाहिए वहाँ हमारी दिल खाती नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल लॉ अपनी जगह पे काम करता है कि जब आप भले ही मोरालिटी में आप गलत चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन वो गिल्टी फील करें या ना करें, जो गलत कर्म आप कर रहे हैं, व्हाट इज़ गलत कर्म, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश कर्म हो रहा है, उससे अंदर की जो शांति सुख गायब हो रहा है, खुशी गायब हो रही है, भय आ रहा है, दुख चिंता सारी दिल में घर करते जा रहे।
तो अब बाबा आकर, इसलिए बाबा को क्या कहा जाता है, बुद्धिवानों की बुद्धि। तो बाबा जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, उन बाबा को इंग्लिश में कहते हैं रेस्टोरर ऑफ कॉन्शियंस। तो जो हमारी कॉन्शियंस है, जो सही गलत अच्छा बुरा परखती है, वो जो अभी डिसफंक्शनल हो गई, अनफंक्शनल भी नहीं हुई, डिसफंक्शनल हो गई, क्योंकि वो उल्टा निर्णय परख दे रही है ना, तो उसको बाबा फिर से क्लीन करते हैं। तो जितना हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि का बर्तन साफ होता है, तो फिर हमारी दिल राइट चीज़ में खाने लगती है। फिर हमें जो, जैसे जिसको दुनिया में दुख सुख कहते हैं, वो हमें समझ आ गया है कि अगर कोई हमें, मानो कोई आपको कह रहा है आप पतित भोजन खाओ, आप मना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आपने तो हमें बहुत दुख दे दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, हम 2 घंटे लग के आपके लिए बनाए, तो आपने कहा नहीं मैंने तो आपको मना किया था ना, तो बोले नहीं लेकिन फिर भी आपके लिए बनाया ना, तो आपको खाना ही चाहिए। तो दुनिया के हिसाब से तो आपको बहुत गिल्टी फील होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप बाबा के ज्ञान में, योग में अपने को शक्ति भरेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ये भोजन नहीं खाने में मुझे गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, इट इज़ ओके, ये मेरी चॉइस है। मेरे पास अधिकार है कि मैं क्या खाना चाहता हूँ, क्या नहीं खाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे रूड नहीं होना है, मुझे पोलाइट रहना है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो पतित भोजन खाने से जो मुझ पर असर होता है, उसकी मुझे समझ आ गई। तो जब मैं श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म करता हूँ, तो अब मेरी दिल खाती है, और दुनिया की जो रावण मत या भक्ति की मत है, उस आधार से हमारी दिल खाना बंद हो जाती है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, अब तुम्हें, जैसे देखो दुनिया में मनुष्य कहता है गलत की निंदा करने में हमें कोई, है ना, गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो भक्ति की मत है कि अगर कोई गलत है और आप उसकी निंदा कर रहे हैं तो वो राइट है, इसीलिए उनको गिल्ट फील नहीं होता। लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको निंदा करने में दिल खाएगी। अगर आप ज्ञानी हैं तो आपको समझ आएगा कि वो गलत है या सही है, वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है मैं निंदा कर रहा हूँ और ये पाप कर्म है, तो आपकी दिल राइट चीज़ में खाना शुरू करेगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो बाबा हमें ये जो बंदर बुद्धि या पत्थर बुद्धि या हम जो वर्थ नॉट अ पेनी बुद्धि हो गई थी, उस बुद्धि को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, ऑफ कोर्स जितना आत्मा पुरुषार्थ करती है, बाबा उसको रिस्टोर करते जाते हैं, और उस आधार से हमें अच्छा बुरा सही गलत, है ना, और सबसे बड़ी चीज़ विकारों की माया की समझ आ जाती है, क्योंकि दुनिया में तो भक्ति मार्ग और माया का राज्य, रावण राज्य एक साथ चलता है। तो एक तरफ आप ये भी कह रहे हो हम भगवान को मानते हैं, सब करते हैं, लेकिन आपकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में दिल नहीं खा रही है ना, मोह में किसी को फंसा रहे हैं, खुद फंस रहे हैं, उसमें हमारे दिल नहीं खा रहे, है ना। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ, अभी मुझे कोई बता रहे थे, एक भाई ज्ञान में चल रहा था, तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि इससे तो अच्छा हमारा लड़का शराबी बन जाता, है ना, पापी बन जाता, लेकिन ये क्या बन गया, सन्यासी बन गया। तो आप सोचो कि बुद्धि कैसी हो जाती है कि आपको श्राप और वरदान में अंतर नहीं समझ आ रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि जो आप संकल्प रच रहे हैं वो बच्चे के लिए वरदान है या श्राप है। तो भक्ति मार्ग और रावण राज्य ऐसा एक साथ चलता है कि मन वचन कर्म हम पाप करते जाते हैं, और हमें लगता है कि हम तो ये बहुत अच्छे काम करें, किसी को सर पे हाथ रख के कहते दूधो नहाओ पूतो पलो, है ना, बच्चे हो शादी हो,
विकारों के मार्ग हम पे डालते हैं और आशीर्वाद का रूप देते हैं, और जो पवित्र बनता है उस पर लांछन लगाते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं कि सबको तो शादी करनी चाहिए। तो बुद्धि कैसी मलिन प्रतीत हो जाती है कि मनुष्य आत्मा विकारों और गुणों में अंतर नहीं कर पा रहे। विकारी चलन चलने में उसको गिल्ट नहीं हो रहा है उसको, है ना। और आप देखना कि कई बार इतना ये चीज़ें बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर बुद्धि ठीक नहीं हुई है तो कोई बार बार आपको वो मत देता है तो अंदर आपके अंदर भी तो वही मोरालिटी भरी हुई है ना, तो आपको भी लगता है शायद, है ना, ये ना करके वो करने से हमें दुआएं मिलेंगी। लेकिन बाबा समझाते दुआओं का कनेक्शन तो सुकर्म से है। दुआएं तुम्हें कोई देता नहीं है, दुआएं तुम्हें अपने कर्मों से मिलती हैं, और वो कर्म जब तक तुम श्रीमद् प्रमाण नहीं करेंगे, विकारी चलन है तो तुम्हें दुआएं कैसे मिलेंगी, वो नहीं मिल सकती। तो ये जो सारी बुद्धि हमारी विकृत हो गई है ना, बंदर बुद्धि तो बाबा कहते हैं इस बंदर बुद्धि को मैं मंदिर लायक बनाता हूँ, लेकिन एक दिन में नहीं बनती, बहुत धीरे 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 बहुत समय लगता है इस बुद्धि को शुद्ध होने में। और फिर बाबा हमें कहते हैं फिर तुम माया को एक्यूरेट पहचान पाते हो, फिर तुम्हें, फिर तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारा कॉन्शियंस जिससे तुम्हारा नाता टूट गया था, वो जब तुम्हारा साथी बन जाता है तो तुम्हें अंदर ही पता चल जाता है। जैसे ही आप कोई पाप कर्म करेंगे आपको दिल खाएगी तो आपको पता चलेगा ऐसे तो हम जी नहीं सकते, तो मुझे इसको बदलना है, है ना। या जब भी आप कोई श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो आपकी दिल आपको गवाही देगी कि नहीं ये श्रेष्ठ कर्म है तो मुझे ये करना है। लेकिन वो श्रेष्ठ और भ्रष्ट कर्म को पहचानने की जो बुद्धि है वो बाबा का बनने से मिलती है, वरना सारा बुद्धि का जो मामला है वो गड़बड़ चलता रहता है। ठीक है, ओम शांति।